ये पता आपको, हमको बंसल साहब ने दिया था फर्स्ट दिन जाते ही, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, दिखाऊंगा किसी दिन वो फोटो। टाइम टेबल की बात करें तो आप अपने जीवन में ध्यान से सुनिए, आपकी क्लास चालू होती है 8:45 पे, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि ये 5 बजे तक आपकी क्लास चलती हो, 4 मान लेता हूं मैक्स, वेरी गुड, ओके 4 PM मैक्स, 4 से 5 होमवर्क, या तो आप मैथ्स का होमवर्क कर लें हाथों हाथ रिवीजन करने के लिए, हाथों हाथ मैथ्स को कंटिन्यू करें। मैं ऐसा क्यों बोला, मैं चाहता तो आपको 4 बजे एक नींद दे सकता था, एक पावर नैप दे सकता था, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस समय, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम होता है 9 से 12, 2 से 5, अब 2:30 से 5:30, वो सब तो ठीक है, ये अब मेरी एक कोशिश है, ये एग्जाम टाइम को आप हमेशा कंसिडर करें, ये साइंटिफिकली फैक्ट है, ये साइंटिफिकली फैक्ट है कि आप इस समय और इस समय अगर आप सोएंगे तो आप कभी जीवन में उस एफिशिएंसी के साथ पेपर कभी दे ही नहीं सकते। इफ यू वांट अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी इन द एग्जाम, देन यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस और यूर एक्टिवेट योर माइंड एट दैट टाइम। आपकी अगर आदत रहेगी ना पेन चलाने की, इस समय हमेशा बहुत अच्छा होगा। 3 से 6 मान लो, मतलब ये 4 से 6 कर लो, 4 से 6 कर लो, होमवर्क करना है, आइदर मैथ्स करिए, फिजिक्स कीजिए या केमिस्ट्री, जो आपकी पसंदीदा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और कोई बंदा इस नहीं बेटा यही करना चाहिए नहीं। फिर 6 से 6:30 स्लीप, या मतलब स्लीप मतलब पावर नैप या रिफ्रेश, मतलब कोई भी आप जाइए बाहर घूम लिए, माँ से बात कर लिए, पापा से बात कर लिए, किसी से भी जाके बात कर लिए, ठीक है, या मतलब वहाँ बात कर लिए, और बाबू थाना छाया आज थाने में क्या था, ऐसे कर करके तुम जॉब करना है, पर वो आधा घंटा होना चाहिए, वो आधा घंटा होना चाहिए, ओनली हाफ आवर। ये सोने के बाद अब आप 6:30 से 8 होमवर्क करेंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री कीजिए मोस्टली, क्यों केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है आदमी, इसमें सो के उठता है, रिलैक्स माइंड रहता है, काफी कूल माइंड रहता है, उस समय आप ये करेंगे तो हो जाता है होमवर्क, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। पता है मैं केमिस्ट्री क्यों बोलता हूँ, ये मैं भी करता था। हाँ एक्सरसाइज कर लीजिए, इस जगह एक्सरसाइज कर लीजिए, बढ़िया योगा कर लीजिए, एक वो मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ तो कीजिए ताकि आपका माइंड बड़ा फ्रेश रहे, क्योंकि अब आपको आगे की जो टाइम है 4 घंटे वो भी तो निकालने हैं, आपको ये करना। होमवर्क केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, रिलैक्स रहे आप लाइफ में, रिलैक्स रहे, थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा रिलैक्स देती है, उसी पढ़ोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। 5वां 8 to 8:30 डिनर, इसको आप ऐसा नहीं कि ये होना चाहिए, आप इसको 8:30 कर लीजिए, इसको 8:30 to 9 कर लीजिए, कुल मिलाकर एक गैप बता रहा हूं कि आधे घंटे का लंच कीजिए, माँ और पिताजी से बात कीजिए, बहन से बात कीजिए, और कैसा रहा, अच्छा चल रहा है, मैं जीवन में अच्छा कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेट्स सी क्या होता है जीवन में, एक पॉजिटिव टॉक कीजिए, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव टॉक कीजिए इनके साथ, ये टाइम बहुत बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप ये करते हैं फिर आता है 8:30 to 10:30 फिजिक्स या मैथ्स, यहां अगर आपने मैथ्स की है तो वहां फिजिक्स कर लेना, या फिजिक्स की है तो मैथ्स कर लेना। 7 नंबर 10:45 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, फोन पे बात नहीं करेंगे, कोई रील नहीं चलाएंगे इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब के मोटिवेशन देखो बंद कर दो, बैठ के रील देख रहे, रील सिस्टम है गौरा, वाह वाह वाह, आज तो मनीषा ने ऐसा किया, पर क्या मतलब इस जीवन में, क्या मतलब साले इस चीज का, साला कोई काम ना, तो सिस्टम काम आ रहा ना कोई काम आएगा IIT जाने के बाद, कॉलेज हो उसका साला डेली 4 घंटे रील देख, मुझे क्या मतलब उससे, फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा कि आप अभी बंद कर दें 10:45 से। अब आप इसके आगे आपकी चॉइस है, ये मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूं 2 या 3 बजे तक जगना, मैं थोड़ा सा कम पसंद करता हूं रात को लेट नाइट तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12 बजे के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घूम रहा होता है कि मैंने पूरा दिन क्या किया, ये चीज आपके दिमाग में घूम रही होती है ना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा 10:45 से 12:45 कर लो, 11:45 कर लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 बजे सो रहे हैं, आपको सोना कितना है स्लीपिंग आवर्स, जो बोल रहे 11 बजे तक, तो आप एक काम करें इसको 11 कर दें और 11 से आप सो जाएं, कोई दिक्कत, देखो आप समझ रहे हो, मैं आपको कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, यही करना है, ऐसा करोगे तो ही IIT होगी, भाई ताला किसने लिखा, कौन से शास्त्रों में लिखा है, ताला गीता में लिखा ही है,
मुझे इतना पता है अगर आप 11 बजे सोते हो तो ये 11 कर दो, 6 घंटे, हाँ वेरी गुड। सो स्लीपिंग आवर्स मस्ट बी 6 to 7 hours। होमवर्क ज्यादा है 6 कर दो, होमवर्क कम है 6.5 कर दो। 7 तो बहुत मुश्किल कि आपको लग रहा है कि बीमार है या आपको लग रहा है कि मैं किसी दिन बहुत लो फील कर रहा हूं, देन गो फॉर द 7 hours, अदरवाइज 6 hours। सीरियसली ये पता आपको, हमको बंसल साहब ने दिया था फर्स्ट दिन जाते ही, झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, दिखाऊंगा किसी दिन वो फोटो, सही बता रहा हूं। अब आप देख लो, अब आप अपने हिसाब से काम कर लो। अगर 1 बजे सो रहे हैं तो 6-7 बजे उठ जाइए, 8 बजे आपका काम कीजिए, 45 मिनट फिजिक्स का रिवीजन कर लीजिए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, क्या करना है क्या नहीं करना। गैप जो मिलता है क्लासेस के बीच में 15 मिनट मिले, उठिए रिफ्रेश होइए, 5 मिनट मिलते हैं आप कॉपी पर पलट लोगे, मास्टर ने लास्ट ईयर लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, दैट्स इट। जो बोल रहे 4 घंटे, बट तुमसे बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है, 4 घंटा सोना मतलब तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, दैट्स इट। दैट इज अ कॉमन। सर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 5-6 बजे उठ जाइए वापस, 5 से 6 बजे उठ जाइए तो यार ओके, आप 6 से 8 तक, 6 से 9 तक आप अपना रेगुलर जो आपके पढ़ाई है, जो आपको छूटा है रिविजन, वो आप कीजिए।